नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सबकी सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, जहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आप जानते हैं कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बड़ी जोर शोर चल रहा है। अपराधियों पर लगातार जेसीबी से उनके मकानों को ढहाया जा रहा है, उसके बावजूद आज 12 लाख की लूट की गई है। अपराधियों के मनोबल को कम नहीं कर पा रहा है बुलडोजर। हम आपको दिखाएंगे कैसे आज एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया, वो भी राजधानी दिल्ली सटे हुए गाजियाबाद में। राजधानी दिल्ली सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई। हथियारों से लैस बदमाशों ने नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक सिहानी ब्रांच में वारदात को अंजाम दिया। दो बाइक से आए 4 बदमाशों ने करीब 12 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। घटना के बाद बैंक परिसर में हड़कंप मच गया, बाहर का माहौल भी दहशत भरा नजर आया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 28 मार्च को गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मियों से बड़ी लूट की वारदात हुई थी। बेखौफ बदमाश पेट्रोल पंप कर्मियों से दिन दहाड़े बंदूक के बल पर 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। घटना उस वक्त हुई जब पेट्रोल पंप कर्मी ये रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। लूट की वारदात मसूरी थाना क्षेत्र इलाके की गोविंदपुरी की थी। कर्मचारियों के बैग न छोड़ने पर बदमाशों ने कर्मचारियों के हाथ पर फायर करने की धमकी दी, जिसके बाद छिया झपटी हुई या झपटी में बैग छीन कर बदमाश फरार हो गए। बता दें आपको कि बैंक कर्मचारियों के हाथ में कुछ नकदी रह गई है, लेकिन बाकी पैसे अपराधी लेकर उड़ गए हैं। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही ताकि बदमाशों तक पहुंचा जा सके। बड़ी वारदात थी, 12 लाख रुपए की लूट कोई मामूली रकम नहीं होती है। हमें लगता है कि अपराधी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि योगी सरकार है, वो क्या एक्शन लेती है और कितना बड़ा एक्शन लेती है, इसको आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी